हे गाइस, वेलकम बैक टू चिल मेडिकोस। तो यार, आज का अपना लेक्चर होने वाला है मूवमेंट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक यार, यूनिवर्सिटी में आता रहता है, देखने को मिलता रहेगा आपको। ठीक है, इस बार भी पूछा जा सकता है। ठीक है, बहुत टाइम से नहीं देखा मैंने इसको, तो ठीक है, तो इसको अपने को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, और टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए हो तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल जो है उसको आप ज्वाइन कर सकते हो, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, मूवमेंट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, तो मूवमेंट एसेंशियल फॉर मिक्सिंग काइम विद द डाइजेस्टिव जूस, ठीक है, प्रोपल्शन ऑफ फूड एंड एब्जॉर्प्शन। ठीक, तीन चीज़ों के लिए जरूरी है। ठीक है, ये मूवमेंट्स स्मॉल इंटेस्टाइन के, पहला कि जो काइम है वो मिक्स हो सके, किसके साथ, डाइजेस्टिव जूस के साथ, प्रोपल्शन ऑफ फूड, फूड का प्रोपल्शन हो सके, ठीक, मूवमेंट हो सके एबोरल साइड, मतलब कि बोल सकते हैं डायरेक्शन में, ठीक, और एब्जॉर्प्शन के लिए। ठीक है, तो अपन देख लेते हैं टाइप ऑफ मूवमेंट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, तो बेटा आपको मक्कारी नहीं मिलानी है एग्जाम टाइम पे, अगर आपको स्मॉल इंटेस्टाइन के मूवमेंट आते हैं तो आपके चार मूवमेंट लिख के आने हैं। ठीक है, पहला होता है मिक्सिंग मूवमेंट। ठीक, मिक्सिंग मूवमेंट में दो मूवमेंट आते हैं, एक तो आता है सेगमेंटल मूवमेंट और दूसरा होता है, ठीक है, दूसरा होता है पेंडुलर मूवमेंट, इतना है समझ। फिर उसके बाद सेकंड होता है प्रोपल्सिव मूवमेंट, इसका काम क्या होता है, मेनली प्रोपल्सन करना फूड का। ठीक है, इसमें आता है पहला पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट और दूसरा आता है पेरिस्टाल्टिक रस। ठीक, थर्ड होता है पेरिस्टाल्सिस इन फास्टिंग। ठीक है, फोर्थ होता है मूवमेंट ऑफ विलाई। ठीक, तो चार चीज़ अपन यहाँ पे चार मूवमेंट मेनली पढ़ेंगे। तो पहला स्टार्ट करते हैं मिक्सिंग मूवमेंट से। ठीक है, फटाफट समझाऊंगा, समझते रहना बेटा, इधर उधर ध्यान मत भटकाना अपना। ठीक है, वीडियो पे ही ध्यान रखना पूरा। ठीक है, पूरा फोकस यहीं रखना। ठीक, पहला होता है मिक्सिंग मूवमेंट, तो इसका मेन काम क्या होना चाहिए कि जो काइम है उसको मिक्स करेगा डाइजेस्टिव जूस के साथ। ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबल फॉर दी प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ काइम विद द डाइजेस्टिव जूस सच एज दी पैंक्रेटिक जूस, बाइल, ठीक, एंड इंटेस्टाइनल जूस। इसमें पहला आता है सेगमेंटल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो कॉमन टाइप ऑफ मूवमेंट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, ठीक है, अकर्स रेगुलर और इरेगुलर, रेगुलर भी हो सकता है, इरेगुलर भी होता हो सकता है, बट रिथमिक फैशन में होता है, इसमें रिथमिसिटी होती है। ठीक है, तो मूवमेंट्स ऑल्टो कॉल्ड रिथमिक सेगमेंटल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, इतना समझ आ गया, आगे बात करते हैं। कॉन्ट्रैक्शन अकर एट रेगुलर स्पेस इंटरवल्स अलोंग सेक्शन ऑफ इंटेस्टाइन। ठीक है, तो क्या बोला है, एट रेगुलर स्पेस इंटरवल। ठीक है, कि यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, रेगुलर स्पेस है बिल्कुल बराबर बराबर। ठीक, तो यहाँ पे रेगुलर स्पेस इंटरवल्स में ही होता है। ठीक है, एक और यहाँ पे चीज़ सुनिए, सेगमेंट्स ऑफ इंटेस्टाइन बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट सेगमेंट्स आर रिलैक्स। ठीक है, बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट सेगमेंट्स आर रिलैक्स। आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे देखो, ये वाला सेगमेंट है और ये वाला सेगमेंट, दोनों सेगमेंट क्या है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हैं। ठीक है, बट इसके जो बीच वाला सेगमेंट है वो क्या है, यहाँ पे रिलैक्स है। ठीक, यही पॉइंट ये बोलना चाह रहा है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको रिंग टाइप का दिख रहा होगा, अगर मैं बोलूँ कि ये वाली एक रिंग बन गई, ये वाली बन गई, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट है, ये वाला, तो रिंग टाइप का यहाँ पे अपने को थोड़ा थोड़ा अपीयरेंस देखने को मिलता है। ठीक है, अभी मिक्स कैसे करेगा ये भी आपको फटाफट में बता देता हूँ। ठीक है, अब आप ऐसे देखिए कि देखो पहले क्या था, पहले यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट था, कलर चेंज करते हैं यार। ठीक है, तो अब देखो पहले यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट था, ठीक है, यहाँ पे रिलैक्स था, अब यहाँ पे क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो अभी फुट क्या कर जाएगा, आगे मूव कर जाएगा, किसमें, कॉन्ट्रैक्टेड सेगमेंट में। तो ये अब अपना फुट आगे मूव करके कॉन्ट्रैक्टेड सेगमेंट में आ गया। ठीक है, और यहाँ पे जो अपना रिलैक्स था वो फिर से कॉन्ट्रैक्ट हो गया, और यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट था वो क्या हो गया, यहाँ पे रिलैक्स हो गया। तो क्या, ऐसे जब इसके अंदर फुट होगा और इसको मैं दबाऊँ तो क्या होगा, धीरे धीरे वो फुट क्या होता जाएगा, मिक्स होता जाएगा, मिक्स होगा, दबेगा बार बार। ठीक है, तो ये करवाता है अपना सेगमेंटल कॉन्ट्रैक्शन, ऐसे मिक्सिंग करवाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन, और तो अल्टरनेटिव सेगमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन गिव द अपीयरेंस ऑफ रिंग। ठीक है, अल्टरनेटिव कॉन्ट्रैक्शन होते हैं और अल्टरनेटिव रिलैक्सेशन, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे समझिए आप, देखो कि अगर यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन है तो इसके बाद क्या है, रिलैक्सेशन, फिर क्या है, कॉन्ट्रैक्शन, फिर रिलैक्सेशन, तो अल्टरनेटिव सेगमेंट है यहाँ पे। ठीक है, आगे बात करते हैं रिसेंबलिंग चेन ऑफ स्विचेज। ठीक है, इस वजह से ये अपने को जो अपनी चेन ऑफ स्विचेज होती है उस जैसे अपने को ये दिखता है। ठीक है, आफ्टर सम टाइम्स, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन सेगमेंट्स आर रिलैक्स एंड रिलैक्स सेगमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, सेगमेंटल कॉन्ट्रैक्शन में मेनली होता है क्या कि जो अपने सेगमेंट पहले कॉन्ट्रैक्ट थे वो रिलैक्स हो जाएंगे और जो रिलैक्स थे वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो सेगमेंटेशन, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन चॉप काइम, ठीक है, मैनी टाइम्स, तो वो क्या उसको तोड़ता है काइम को बहुत सारे टाइम। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन से, ठीक है, जो कि हेल्प करता है मिक्सिंग ऑफ द काइम विद द डाइजेस्टिव जूस। ठीक है, ये अपना हो गया कौन सा, सेगमेंटल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, अब बात करेंगे अपन पेंडुलर मूवमेंट की। ठीक है, पेंडुलर मूवमेंट क्या बोलता है। ठीक है, तो दिस इज द स्वीपिंग मूवमेंट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, स्वीपिंग मूवमेंट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। ठीक है,
तो रिसेम्बलिंग मूवमेंट्स ऑफ द पेंडुलम ऑफ द क्लॉक, जो आपकी पेंडुलम होती है ना क्लॉक की, वो क्या करती है, ऐसे ऐसे करती है, टक टक टक, ठीक है। तो स्मॉल पोर्शन ऑफ द इंटेस्टाइनल लूप स्वीप्स फॉरवर्ड, तो छोटा सा पोर्शन होगा स्मॉल इंटेस्टाइन का, वो स्वीप कैंस करेगा आगे पीछे, ठीक, और ऊपर और नीचे, ठीक। तो अगर मैं बोलूँ ऐसे, आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे देखो अपने पास क्या है, इंटेस्टाइन है, ठीक है, तो ऐसे ऊपर चली गई, फिर नीचे आ गई, फिर ऊपर गई, ठीक है, ऐसा, ठीक है। तो फिर धीरे धीरे क्या होगा, देखो एक तो ऊपर आ रहा है लूप इसका, और दूसरा लूप इसका नीचे जा रहा है, फिर फर्दर क्या होगा, ये लूप आगे स्वीप करेगा, ठीक है, और जो नीचे वाला स्वीप है ना, ये पीछे स्वीप करेगा। तो क्या होगा, यहाँ पे जी ऊपर हो जाएगा ये वाला पोर्शन, ठीक है, और यहाँ वाला पोर्शन ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये वाला पोर्शन फॉरवर्ड मूव करेगा और नीचे वाला पोर्शन जो रहता है वो बैकवर्ड मूव करता है, ठीक है। ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी जा रहा है, आगे भी जा रहा है, पीछे भी जा रहा है, ठीक है। तो इस वजह से क्या हो सकता है, अपना जो फूड है वो अच्छे से मिक्स हो सकता है, ठीक है, किसके साथ, डाइजेस्टिव जूस के साथ, ठीक। तो यही मूवमेंट क्या बोलना चाह रहा है, पेंडुलर मूवमेंट, ठीक है। हेल्प इन द मिक्सिंग ऑफ द काइम विद द डाइजेस्टिव जूस, सिंपल, ठीक। सेकेंड मूवमेंट होता है अपना प्रोपल्सिव मूवमेंट, ठीक है। प्रोपल्सिव मूवमेंट का मेनली काम क्या रहता है, देखते हैं, मूवमेंट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन विच पुश ऑफ काइम, जो काइम को क्या पुश करेगा, किस साइड की साइड, एबोरल डायरेक्शन में, एबोरल डायरेक्शन मतलब अपोजिट टू दी ओरल डायरेक्शन, ठीक, मतलब एनल साइड, ठीक है। तो पुश ऑफ काइम इन द एबोरल डायरेक्शन थ्रू द इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन के थ्रू, ठीक। तो इसमें अपने मेनली दो थे, पहला था अपना पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ठीक है। तो पहले अपन पढ़ते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ठीक है। तो पेरिस्टाल्टिक, ठीक है, तो पेरिस्टाइसिस इज वेव ऑफ कॉन्ट्रेक्शन फॉलोड बाय द वेव ऑफ रिलैक्सेशन ऑफ द मसल फाइबर, ठीक है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स क्या होता है, पहले कॉन्ट्रैक्ट होगा, जैसे ही वहाँ का कॉन्ट्रेक्शन आगे बढ़ेगा तो जो फर्स्ट प्लेस पर कॉन्ट्रेक्शन था तो वहाँ वो रिलैक्सेशन हो जाता है, ठीक। तो ऑलवेज ट्रेवल्स इन द एबोरल डायरेक्शन, हमेशा ये एबोरल डायरेक्शन में चलता है नॉर्मल कंडीशन में, ठीक है, और इसके बारे में डिटेलिंग आगे बताता हूँ आपको, ठीक है। स्टिमुलेशन ऑफ स्मूथ मसल्स ऑफ इंटेस्टाइन, ठीक है, इनिशिएट पेरिस्टाइसिस, जैसी जो स्मूथ मसल होती है इंटेस्टाइन की, ठीक है, वो अगर स्टिमुलेट हो जाए, कैसे स्टिमुलेट होंगी वो भी आगे आपको बताऊंगा मैं, ठीक है। जैसे अगर वो स्टिमुलेट होती है तो उस वजह से इनिशिएट होता है पेरिस्टाइसिस, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए, पहले यहाँ पे कॉन्ट्रेक्शन था, ठीक है, वो कॉन्ट्रेक्शन धीरे धीरे आगे बढ़ा, और जहाँ पे कॉन्ट्रेक्शन था तो आपके यहाँ दिख रहा होगा वहाँ रिलैक्सेशन आ गया, ठीक, और फर्दर यहाँ तक कॉन्ट्रेक्शन पहुँचा, तो इस वजह से क्या हो गया, जो यहाँ पे फुट था वो आगे मूव कर गया, तो फुट अब यहाँ पे आ गया, ठीक। अगर मैं ऐसे बात करूँ कि देखो यहाँ पे ये पेन है, ठीक है, अगर ये पेन मान चलो अभी तो अपनी मेटलिक बॉडी का है, अगर ये मेटलिक बॉडी नहीं होती, एक पाइप होता है, ठीक है, प्लास्टिक पाइप, तो क्या अगर मैं प्लास्टिक पाइप को यहाँ से दबाता तो ये वाला पोर्शन क्या यहाँ पे दब जाता, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि इसके आगे यहाँ पे कुछ भी सॉलिड मेटल मटेरियल है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, अगर यहाँ पे मैंने दबा दिया, अब इसको दबाए हुए मैं आगे खिसकाऊंगा, ऐसे खिसकाता आऊंगा, तो जो इसके आगे जो सॉलिड यहाँ पे सब्सटेंस होगा, मटेरियल होगा, वो भी आगे मूव करता जाएगा, क्यों, क्योंकि इसके पीछे वाला जो पोर्शन है वो कॉन्ट्रैक्ट है, तो वहाँ का ल्यूमेन छोटा है, तो वो पीछे तो जा नहीं सकता, तो वो इस साइड मूव करेगा, ठीक है। और जैसे ही मैं इसको आगे बढ़ाता आऊँगा, जो पीछे वाला पोर्शन था ना, वो रिलैक्स होकर अपना सिलेंड्रिकल शेप वापस ले लेगा, ठीक है, मतलब कि जो पोर्शन कॉन्ट्रैक्ट था वो रिलैक्स होता जा रहा है, ठीक है। तो यही चलता है सेम टू सेम अपना स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। आगे बात करते हैं, ठीक है, ट्रेवल्स फ्रॉम, ठीक है, पॉइंट ऑफ द स्टिमुलेशन इन द बोथ डायरेक्शन, ठीक है। जब अपना स्टिमुलेशन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन की स्मूथ मसल्स का, ठीक है, तो जो पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रेक्शन है बेटा वो दोनों डायरेक्शन में जाता है, ठीक है, लेकिन जो ओरल डायरेक्शन होता है वो जनरली क्या हो जाता है, मतलब कि वो ज़्यादा काम का नहीं होता, अपन ये बोल सकते हैं, ठीक है, वो जनरली का इनहिबिट हो जाता है ओरल डायरेक्शन में कॉन्ट्रेक्शन, ठीक है, लेकिन जो एबोरल डायरेक्शन का कॉन्ट्रेक्शन होता है वो चलता रहता है, ठीक है। तो इसलिए अपने को पेरिस्टाल्टिक समय से कहाँ देखने को मिलता है, एबोरल डायरेक्शन साइड, ठीक है। तो बट अंडर द नॉर्मल कंडीशन द प्रोग्रेस ऑफ द कॉन्ट्रेक्शन इन एन ओरल डायरेक्शन इज इनिबिटेड क्विकली, ठीक है, और कॉन्ट्रेक्शन डिसअपियर, ठीक है, ओनली कॉन्ट्रेक्शन इन एन एबोरल डायरेक्शन, ठीक है, उसी को मतलब कि वो ही अकेला डायरेक्शन में अपना कॉन्ट्रेक्शन प्रसिस्ट कर जाता है, सिंपल, ठीक है। तो इसी में एक और आता है अपना क्या, स्टार्लिंग लॉ ऑफ इंटेस्टाइन, ठीक है। तो स्टार्लिंग लॉ ऑफ इंटेस्टाइन भी समझ लेते हैं, कहीं आपसे अगर पूछ लिया पाँच नंबर में तो आप बता पाओ, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन डायरेक्शन ऑफ द पेरिस्टाइसिस, ठीक, मतलब कि पेरिस्टाइसिस के डायरेक्शन के डिपेंडेंट अगर देखा जाए तो स्टार्लिंग ने एक लॉ दिया जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ इंटेस्टाइन, ठीक है। एक इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इंटेस्टाइन, ठीक है, रिस्पॉन्स ऑफ इंटेस्टाइन फॉर आर लोकल स्टिमुलस, मतलब कि लोकल स्टिमुलस के लिए इंटेस्टाइन का क्या रिस्पॉन्स होता है, ठीक है। तो कंसिस्ट ऑफ अ कॉन्ट्रेक्शन अबव एंड रिलैक्सेशन बिलो स्टिमुलेटेड एरिया, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि एक इंटेस्टाइन है, ठीक है,
ठीक है, अगर एक पॉइंट पर अपन ने उसको स्टिमुलेट कर दिया तो जो कॉन्ट्रैक्शन होगा तो वो ऊपर दिखेगा, और जो रिलैक्सेशन होगा वो अपने को नीचे दिखेगा। ए वाला पार्ट क्या है कॉन्ट्रैक्ट, और ए वाला पार्ट क्या है अपना रिलैक्स, ठीक है, यही शो करना चाहता है। अब क्या होता है फर्दर, जो पार्ट अपना ऊपर वाला कॉन्ट्रैक्ट था तो क्या होगा, दूसरे कलर से बना लेते हैं, ये वाला पार्ट अपना पहुंच जाएगा कुछ ऐसे, ये नीचे आ जाएगा रिलैक्स हो जाएगा, और जो अपना रिलैक्स था वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। यही तो चलता है अपना पेरिस्टेल्सिस में, है ना, कि जो कॉन्ट्रैक्ट पार्ट है ये वाला वो रिलैक्स कर जाएगा फर्दर तो ये नीचे आ जाएगा, और जो कॉन्ट्रैक्ट वाला पार्ट था वो रिलैक्स कर गया, और जो रिलैक्स वाला पार्ट है नीचे था वो ऊपर जाके क्या कॉन्ट्रैक्ट कर गया, तो फिर कुछ इस टाइप से वेव देखने को मिलेगी। ठीक, आगे बात करते हैं अपन, कॉन्ट्रैक्शंस आर ऑलवेज वीक, यूजुअली डिसअपियर आफ्टर ट्रेवलिंग फ्यू सेंटीमीटर। कुछ सेंटीमीटर चलने के बाद ये वाले कॉन्ट्रैक्शन डिसअपियर हो जाते हैं मेनली, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन काफ़ी वीक होते हैं। ठीक है, सो काइम रिक्वायर्ड सेवरल आवर्स टू ट्रेवल फ्रॉम ड्यूडेनम टू एंड ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ड्यूडेनम से लेके ठीक है एंड ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुँचने के लिए काइम को काफ़ी टाइम लग जाता है। ठीक है, बट पेरिस्टाल्टिक वेव इंक्रीज टू अ ग्रेटर एक्सटेंट आफ्टर अ मील। ठीक है, जैसे आप खाना खाते हो तो उसके बाद जो पेरिस्टाल्टिक वेव होती है वो काफ़ी एक्सटेंट तक इंक्रीज कर जाती है। क्यों कर जाती है, बिकॉज ऑफ गैस्ट्रोएंटिक रिफ्लेक्स। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, देखो जैसे ही फूड अपने स्टमक में आया तो क्या हुआ, स्टमक थोड़ा थोड़ा फैलता है। ठीक है, उसका क्या वॉल्यूम इंक्रीज होने लगता है, क्योंकि इलास्टिक होता है स्टमक। ठीक है, तो उस वजह से आपको पता है कि पूरी GIT में क्या होता है, माइंट्रिक प्लेक्सस। पिछले लेक्चर में बेटा आपको सब पढ़ा के आए पूरा बेसिक से। ठीक है, तो माइंट्रिक प्लेक्सस क्या कर जाता है, वहाँ स्टिमुलेट, और माइंट्रिक प्लेक्सस पूरे अपने GIT में होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में भी होगा। जब उसका स्टिमुलस अगर कहाँ पे हो गया, स्टोमक में, तो वो इंटेस्टाइन तक भी पहुँचेगा स्टिमुलस, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में आके वो अपना लोकल एक्शन शो करता है और हाईली स्टिमुलेट करता है स्मॉल इंटेस्टाइन को। तो उस वजह से इंटेस्टाइन में पेरिस्टाल्टिक वेव काफ़ी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि आप सोचिए यार, अगर खाना आप खा रहे हो, ठीक है, खाना खाओगे तो पेट में ज़्यादा पहुँचेगा, पहले से इंटेस्टाइन में भरा रखा है। ठीक है, तो उसको तो बाहर निकालना पड़ेगा, जल्दी बाहर निकालना है, क्योंकि आप खा भी तो रहे हो, उसको भी तो इंटेस्टाइन में आना है ना भाई, उसको भी तो चांस देना है अपने को डाइजेस्ट होने का। ठीक है, एब्जॉर्ब करने का उससे। ठीक है, तो क्या करते हैं उसके लिए अपना चलता है माइंट्रिक प्लेक्सस, जो कि स्टिमुलेट होता है, जो जाकर अपने स्मॉल इंटेस्टाइन को भी स्टिमुलेट करेगा। इस वजह से अपन इसको बोलते हैं गैस्ट्रोएंटेरिक रिफ्लेक्स, मतलब कि गैस्ट्रो मतलब स्टोमक और एंटेरिक मतलब इंटेस्टाइन। ठीक है, इनका रिफ्लेक्स चलता है, तो इस वजह से क्या पेरिस्टाल्टिक वेव इंक्रीज हो जाती है खाना खाने के बाद। ठीक है, और अपना ज़्यादा से ज़्यादा जो मटेरियल है, ठीक, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो बाउल है कायम है, ठीक, उसको क्या बाहर निकालने के लिए। आगे बात करते हैं सेकंड, पेरिस्टाल्टिक रस। ठीक है, इसको रस वेव भी बोलते हैं। ठीक है, तो सम टाइम स्मॉल इंटेस्टाइन शो अ पावरफुल पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, पेरिस्टाल्टिक रस क्या होता है मेनली, अपना पावरफुल पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, जो कैसे होता है, कॉज्ड बाय एक्सेसिव इरिटेशन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन म्यूकोसा। ठीक है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होगी अपनी, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा होगी, उसका अगर एक्सेसिव इरिटेशन हो रहा है, ठीक है, तो इरिटेशन किस वजह से हो सकता है, या तो यार स्मॉल इंटेस्टाइन में ज़्यादा फूड हो जाए, ज़्यादा डिस्टेंट हो जाए स्मॉल इंटेस्टाइन उस वजह से, या फिर कुछ इरिटेंट हो फूड में, तो उस वजह से इंटेस्टाइन की जो म्यूकोसा होती है वो इरिटेट हो जाती है। अब वो इरिटेट हो गई तो वो क्या सोचेगी, यार इस खाने को या फिर इस काम को फटाक से निकालो यार, ये मेरे लिए हार्मफुल है। ठीक है, तो उसके लिए उसे चलाना पड़ता है पेरिस्टाल्टिक रस, जो कि पावरफुल पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, तो बिगनिंग्स ऑफ बिगनिंग जो इसकी बिगन होती है, वो बिगन होती है कहाँ, ड्यूडेनम से। ठीक, एंड पास थ्रू दी एंटायर स्मॉल इंटेस्टाइन एंड रिचेज द इलियोसीकल वेल्व विद इन अ फ्यू मिनट्स। कुछ मिनट्स में ही ये इलियोसीकल वेल्व तक पहुंच जाती है। इलियोसीकल वेल्व कहाँ होगी, इलियम और जो सीकम होता है लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट, उनके बीच में एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि बैकवर्ड फ्लो को क्या करता है, प्रिवेंट करता है सीकम से वापस से फीकल मैटर अपना वापस ना आ जाए इलियम वाले पार्ट में। ठीक है, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। ठीक है, आगे बात करते हैं, पेरिस्टाल्टिक रस स्वेप्स कंटेंट्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक, इनटू द कॉलन। जो स्मॉल इंटेस्टाइन का अपना भी जितना भी जो कंटेंट था वो स्वेप करके कहाँ पहुँचा देता है, कॉलन में। ठीक है, इट्स रिसीव्स स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, ऑफ आइदर इरिटेंट्स और एक्सेसिव डिस्टेंशन। जो एक्सेसिव डिस्टेंशन हो रहा था स्मॉल इंटेस्टाइन का, जो इरिटेट थे उसमें, ठीक है, इरिटेंट्स थे जो अपने काम में, उनको वहाँ से फटाक से निकाल देगा। इस वजह से जो स्मॉल इंटेस्टाइन थी वो फ्री हो जाएगी इरिटेंट से और एक्सेसिव डिस्टेंशन से। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन, थर्ड होता है पेरिस्टाल्सिस इन फास्टिंग। ठीक है, फास्टिंग मतलब फास्ट सिंपल। ठीक है, जो व्रत वगैरह रखते हैं, कुछ खाते नहीं बहुत टाइम से, तो उस कंडीशन में भी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट चलते हैं। क्यों चलते हैं देखते हैं। ठीक है, इसको अपन माइग्रेटिंग मोटर कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। ठीक है,
तो टाइप ऑफ पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन अगर इन स्टोमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन दोनों में होंगी ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ द फास्टिंग फॉर सेवरल आवर्स, कुछ टाइम तक अपन खाते नहीं, जैसे 5-7-8 घंटे तक खाना, तो तभी चीज देखने को मिलती है पेरिस्टाल्सिस इन फास्टिंग। ठीक है, तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, ऑल्सो माइग्रेटिंग मायो इलेक्ट्रिक कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इन दिस अ लार्ज पोर्शन ऑफ द स्टोमक एंड इंटेस्टाइन इन्वॉल्व इन कॉन्ट्रैक्शन, इसमें मोस्ट ऑफ द अपना क्या लार्ज पोर्शन ऑफ द स्टोमक और इंटेस्टाइन का इन्वॉल्व होता है। ठीक है, पेरिस्टाल्टिस इन फास्टिंग में। ठीक, अगर जिस वन इन एवरी, ठीक, अगर मान चलो आपको भूख लग गई, मतलब भूख नहीं, आपने बहुत टाइम से खाना नहीं खाया, ठीक, 7-8 घंटे हो गए, तो आपको ये 1.5 से 2 घंटे में, ठीक, ये चीज़ देखने को मिलेगी, और इसका जो मूवमेंट होता है वो कम से कम 20-30 सेंटीमीटर तक एक्सटेंड करता है, वहाँ तक प्रोपेल करता है। ठीक है, तो इट स्टार्ट एज मॉडरेटली एक्टिव पेरिस्टाल्सिस इन बॉडी ऑफ द स्टोमक, जो बॉडी ऑफ द स्टोमक होती है वहाँ से मॉडरेटली एक्टिव पेरिस्टाल्सिस स्टार्ट होती है। ठीक है, इट टेक्स दी अबाउट 10 मिनट्स टू रिच कॉलोन, इसको कॉलोन तक पहुँचने में सिर्फ 10 मिनट लगते हैं। ठीक है, मतलब काफ़ी फास्ट है आ रही भी। ठीक है, आफ्टर टेकिंग ऑरिजन फ्रॉम द स्टोमक, जैसे स्टोमक से ऑरिजन लेती है, ठीक है, स्टार्ट होती है वहाँ से, और कॉलोन तक पहुँचने में सिर्फ इसको 10 मिनट लगेंगे। ठीक है, इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा, दिस स्वीप्स एक्सेसिव डाइजेस्टिव सीक्रेशन इन टू द कॉलोन, प्रिवेंट एक्यूमेशन ऑफ सीक्रेशन इन स्टोमक एंड इंटेस्टाइन। ठीक, तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी जब मैं आपको बता रहा था कि जो अपना स्टोमक में सीक्रेशन होते रहते हैं, ठीक है, इंटर डाइजेस्टिव फेज। ठीक है, तो उनमें भी क्या होता है, मतलब कि कंटिन्यूअस सीक्रेशन चलता है हमेशा डाइजेस्टिव जूस का। ठीक है, तो अगर मान चलो आप कुछ खा नहीं रहे हो और आपके पास डाइजेस्टिव जूस का क्या कंटिन्यूअस सीक्रेशन चल रहा है, ठीक है, तो अब उसको अपने को बाहर भी निकालना है। क्यों, क्योंकि अगर स्टोमक की बात करें तो यार वहाँ पे HCl का भी सीक्रेशन होगा, अगर HCl वहाँ पे पड़ा रहेगा और वहाँ पे खाना रहेगा नहीं आपके पेट में, तो क्या होगा, वो HCl धीरे धीरे वहाँ पे आपको पेप्टिक अल्सर कॉज कर सकता है। ठीक है, तो उनसे बचाने के लिए अपने पास चलता है पेरिस्टाल्सिस इन फास्टिंग, इसकी वजह से जो वहाँ पे HCl और डाइजेस्टिव जूस थे एक्सेसिव अमाउंट में, उनको वो बाहर निकाल देता है। ठीक है, ऑल्सो स्वीप रेसिड्यूअल इनडाइजेस्टिव मटेरियल इन द कॉलन, ठीक, मतलब जो अपने रेसिड्यूअल इनडाइजेस्टिव मटेरियल पड़े हुए थे उनको भी वो बाहर निकाल देता है। ठीक, फोर्थ देखते मूवमेंट ऑफ बिलाई। ठीक है, तो बिलाई का क्या मूवमेंट होता है, इंटेस्टाइनल बिलाई शोज द मूवमेंट साइमल्टेनियसली अलॉन्ग विद द इंटेस्टाइनल मूवमेंट, इंटेस्टाइनल मूवमेंट्स के साथ बिलाई भी अपना मूवमेंट चलाती है। आपको पता होगा बिलाई कुछ ऐसी होती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, और ऐसे ऐसे इनके मूवमेंट चलते हैं। ठीक, तो बिकॉज ऑफ एक्सटेंशन ऑफ द स्मूथ मसल फाइबर ऑफ द इंटेस्टाइनल वॉल्स इन टू बिलाई। ठीक है, तो मूवमेंट्स ऑफ बिलाई कैसे होती हैं, शॉर्टनिंग और एलोंगेशन। ठीक है, आगे बात करते हैं इसकी। ठीक है, अकर्स अल्टरनेटिवली, ठीक है, हेल्प इन दी एम्प्टी लिम्फ फ्रॉम दी सेंट्रल लेग टेल, ठीक है, इन टू द लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक, मूवमेंट ऑफ बिलाई कैसे हेल्प करेगी, आप ये देखिए यहाँ पे ये पूरा का पूरा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ये बिलाई, ठीक है, ऐसी, ठीक है, इसके बाद यहाँ पे रहता है सेंट्रल लेग टेल। ठीक है, तो यहाँ और इसके साइड में यहाँ पे होती हैं क्या, पिंक कलर से बना देता हूँ, यहाँ पे होती हैं क्या ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो क्या होता है सेंट्रल लेग टेल में जितना भी लिम्फ होता है वो उसको वो किस में कर देता है, ड्रॉप कर देता है किस में, लिम्फेटिक्स में। ठीक है, इस मूवमेंट के थ्रू। आगे बात करते हैं अपन यहाँ पे, इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ द ब्लाई, इसकी वजह से क्या सरफेस एरिया ऑफ द ब्लाई बढ़ता है, हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टिव फूड फॉर द ल्यूमन ऑफ इंटेस्टाइन। ठीक है, तो क्या होता है ब्लाई मेनली क्या करवाती, सरफेस एरिया भी बढ़वाती, इतना तो आपको भी पता होगा। ठीक है, मूवमेंट ऑफ ब्लाई कॉज बाय द लोकल नर्वस रिफ्लेक्स, जो मूवमेंट ऑफ ब्लाई होता है वो सिर्फ अपना लोकल नर्वस रिफ्लेक्स की वजह से देखने को मिलता है। हार्मोन सिग्नल फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, स्मॉल इंटेस्टाइन की म्यूकोसा से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम रहता है वेलिकाइनिन। ठीक है, वेलिकाइनिन क्या करवाता है, इंक्रीज करवा देता है मूवमेंट ऑफ बिलाई। ठीक है, जो मूवमेंट ऑफ बिलाई होते हैं उसको क्या इंक्रीज करवा देता है, एक तो क्या करवा देता है वेलिकाइनिन जो हार्मोन है, और सेकेंड लोकल नर्वस रिफ्लेक्स, ठीक है, वो भी क्या करवा देता है मूवमेंट ऑफ बिलाई करवाता है। ठीक, तो ये थे सारे के सारे मूवमेंट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, इसको आप एक बार अच्छे नोट से पढ़ लेना। ठीक है, और वैसे तो आपको लेक्चर से समझ में आ गया होगा, बट एक बार फिर भी आप जाके नोट्स पढ़ना तो आपको और अच्छा समझ में आएगा और ज़्यादा रिटेन करेगा। ठीक है, बाकी अच्छे से पढ़ाई करो, मेहनत करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।